हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी फाइनल शॉपिंग करने जा रहे हैं, सारा आखिरी जो खाने पीने का सामान रह गया उठाने। हम तीन लोग जा रहे हैं, तीन लोग घर पे पैकिंग कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 12 या 12:30। अभी बज रहे 12:30 और अभी शाम को हमारी 6 बजे का हमारा डिपार्चर है यहाँ से, तो तब पता लग जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो हम चलेंगे, कहाँ पे जा रहे हैं? राजमंदिर। अभी राजमंदिर चलते हैं, अभी जाएंगे राजमंदिर और वहाँ जाके उठाएंगे खाने पीने का सामान। कितने दिन के हिसाब से उठाना है? 11 दिन, 6-7 दिन। सगे भाई की शादी पे जा रहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग। 6-7 दिन, 6-7 दिन का खाना उठाना, तो सोच लो भाई बहुत बढ़िया ट्रिप होने वाला है अगर ये 6-7 दिन का ट्रिप बोला मैंने। खाने का सामान सारा आ गया और अब हम जाएंगे घर। बज रहे हैं 2, वहां जाके करेंगे अपना लंच सारे खत्म और फिर उठाएंगे अपने बैग्स जो हो चुके हैं पूरे पैक और अब हम जाएंगे, फिर उसके बाद लेंगे कैब और जाएंगे मजनू का टीला। तो टाटा। और अब पैकिंग हो चुकी है, हम फाइनल निकल रहे हैं, सब कुछ डन है। अभी बज रहे हैं 4 और हम निकलने वाले हैं, सब हो चुका है एकदम, सारी तैयारी डन है। छोड़ना मत कुछ भी, बहुत मजा आएगा। अभी हम कैब से जाएंगे मजनू का टीला, सारे मिलेंगे हमारे सोसाइटी गेट पे, सो लेट्स गो। तो हम वापस आ गए हैं और हम बैठ चुके हैं सारे कैब में, 3 बंदे हमारे दूसरी कैब में बैठे हैं और 3 हम लोग यहाँ पे हैं। मेरे साथ है विशु और चिराग, सारा सामान पैक हो चुका है और थोड़ा सामान इसकी गोदी में भी है। तो हम जा रहे हैं मजनू का टीला और भैया को पहले से ही पता कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चिराग, अब तो बता दे। अरे भैया बता दो आप, भैया कहाँ जा रहे हैं बताओ? मनाली जा रहे हैं बताओ। भैया को हमने सिर्फ ये बोला कि भैया मजनू का टीला छोड़ दो, भैया ने बोला तुम मनाली जा रहे हो। अब भैया को सब पता भाई हम जा रहे हैं मनाली। 3 बंदे हमारी दूसरी कैब में, वो सारे भी पहुंच रहे मजनू का टीला। अब हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब हम पहुंचेंगे बस में। बहुत घूमे भैया मनाली? हाँ जी। कहाँ कहाँ गए बताओ? जी धर्मशाला, खजार, चंबा, कुफरी। डिपो पे और हमारी बस आने वाली है अभी थोड़ी देर में। ये सारे बंदे और इतना सारा सामान, बहुत ही जबरदस्त भाई। अभी नहीं बताएंगे, आप तुम वीडियो देखते रहो। अभी भी नहीं बताएंगे ना, तो कब बताएंगे? इट्स अ सरप्राइज मैन। भाई ये सरप्राइज कभी तो पता चलता है, अभी बता देंगे यार। अभी विश्वास ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा, सही में जा रहे हैं। जब से बस नहीं चलेगी ना तब तक यकीन, तब तक नहीं मानेंगे। और पता कमाल की बात है, ड्राइवर भैया का आगे का शीशा टूट रखा है तो कुछ भरोसा नहीं है, वो कैसे चलाते हैं सुन तो नहीं। ड्राइवर पे डाउट हो रहा है। कितने दिन का हिसाब है? चलने दे। हाँ पूरी इटनरी तो हमें बताएंगे पहुँच के, बाकी जहाँ तक है अभी 6 दिन तो हमारे बुक है पूरे। गाइस डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है गाइस और अब हम सारे खा पी के फैल गए हैं, तो अब हम मिलेंगे सीधा सुबह। गुड नाइट। से 14 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली मनाली। इस बस में आए हैं हम सारे और आप पीछे व्यू देख लो, फाइनली व्यू। इस व्यू के लिए क्या क्या नहीं करा। और आ गए हम लोग आखिरकार, सारे यहीं पे हैं। अभी हम यहाँ से चलेंगे होटल, हमारी आ रही है कैब। खत्म तुम पे सफर ना।
फाइनल रूम चेक इन हो गया और बहुत बढ़िया व्यू है इसका, तो वो आपको मैं रूम टूर में दिखा दूंगा अब। तो ये वाली वीडियो भी यहीं एंड करते हैं, हम लोग आ गए हैं मनाली और अब जो सरप्राइज होगा वो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। चैनल को लेकर कुछ एक्साइटिंग चीज है तो पता लगेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टाटा।